फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे NIOS के डिप्लोमा होल्डर्स। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसका संदेश, जिसका लोगो, जिसका प्रतीक चिन्ह दोस्तों क्या है आप देख सकते हैं। इसका संदेश है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है, वो सभी जो धन है, हर प्रकार का जो संपत्ति है उससे सर्वोपरि है, उससे प्रधान है। और यहाँ से शिक्षक प्रशिक्षण में जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अब उन्हें दोस्तों निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, ये निर्णय है कि NIOS का जो भी शिक्षक प्रशिक्षण में DLED या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उन्हें ना केवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर होने का मौका दिया जाए, बल्कि ऐसा ही एक केस आया है। फरुखाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक याची को, जिनका कि सिलेक्शन हो चुका था, उन्होंने NIOS से DLED में डिप्लोमा किया था और शिक्षक भर्ती में उत्तीर्ण भी हुए थे, लेकिन उन्हें जॉब देने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि ये NIOS का जो डिप्लोमा है उसका क्या स्टेटस है, इससे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय अवगत नहीं थे। तो याची ने दोस्तों माननीय हाईकोर्ट की शरण ली और माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि बिल्कुल NCTE से ये डिप्लोमा जो भी है वो वैध है। ऐसी दशा में आप 6 सप्ताह के भीतर जो याची हैं उनको आप नियुक्ति दे दीजिए। तो दोस्तों, ना केवल TET बल्कि शिक्षक अगर कोई सिलेक्शन पाता है भविष्य में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर शिक्षक पद रिक्त हैं, आने वाले समय में ये भर्ती विज्ञापित होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे TET में तो आवेदन का मौका मिल ही गया, शिक्षक भर्ती में भी सिलेक्शन पाने के बाद भी दोस्तों रास्ते खुले हैं। NIOS से जो भी शिक्षक प्रशिक्षक में डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो भी ट्रेनिंग कोर्स कर रखे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये डिप्लोमा दोस्तों एक ऐसा डिप्लोमा है जिसको करने के बाद आप परिषदीय जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षण कार्य के योग्य हो जाते हैं। और चूँकि तमाम ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स रहे हैं जो दोस्तों कोशिश करते रहे हैं कि ये वैध है कि नहीं वैध है, तो वैधता पे जो प्रश्न चिन्ह है वो दोस्तों उठ गया है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने अब अपने निर्णय में ये कह दिया है कि जो याची हैं, जो शिक्षक पद पे जिन्हें नियुक्ति दोस्तों मिली थी, लेकिन फरुखाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने उन्हें नियुक्ति नहीं दिया था, तो माननीय हाईकोर्ट ने उन्हें 6 वीक के भीतर नियुक्ति देने और मामले को निस्तारित करने के लिए दोस्तों आदेश जारी किया है। आते हैं पूरे के पूरे प्रकरण, पूरा का पूरा जो न्यूज़ है, पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट्स है, आपको रूबरू कराते हैं। NIOS के डिप्लोमा धारक को शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फरुखाबाद को निर्देश दिया है कि NIOS से DLED में डिप्लोमाधारी याची को 6 हफ्ते में नियुक्ति आदेश जारी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दीपक कुमार शुक्ला की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राघवेंद्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। अधिवक्ता का कहना था कि याची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुआ है और NIOS से प्रशिक्षण का डिप्लोमा करने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही। NCTE के अधिवक्ता ने कहा कि NIOS से डिप्लोमा को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मान्यता दी गई है, इस पर कोर्ट ने कहा नियुक्ति न देने का कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों, ये रिट रही कोर्ट नंबर 33 केस रिट, आप दोस्तों देख सकते हैं 14812 ऑफ 2021। पिटिशनर संदीप मिश्रा एंड 4 अदर्स, रेस्पॉन्डेंट स्टेट ऑफ UP एंड 4 अदर्स, काउंसिल फॉर पिटिशनर शरदचंद सिंह, काउंसिल फॉर रेस्पॉन्डेंट CSC। अब यहाँ पे ऑनरेबल अश्विनी कुमार मिश्रा जी जज हैं। पिटिशनर्स हैव अप्रोच दिस कोर्ट फॉर ए डायरेक्शन अपॉन सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश प्रयागराज टू एक्सेप्ट देयर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिंग इन UP TET एग्जामिनेशन 2021
पेटिशनर्स हैव सिक्योर्ड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS विच इज़ नॉट बींग ट्रीटेड एज रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन फॉर अपियरेंस इन द यूपी टेट एग्जामिनेशन. श्री धनंजय अवस्थी लर्नेड काउंसिल फॉर द NCTE हैज मेड स्टेटमेंट इन रिट पिटिशन नंबर 13219 ऑफ 2021 डिसाइडेड ऑन 21 October 2021 as per which diploma in elementary education issued by NIOS has been accorded recognition by the NCTE order passed by this court in writ petition number 13219 of 2021 reads as under. तो ये diploma जो in elementary education है उसको NCTE ने recognize कर रखा है और ये writ petition में दोस्तों क्या बात कही जा रही है. दो पिटिशनर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर येट अपॉइंटमेंट हैज़ नॉट बीन इशूड टू हिम ओनली ऑन द ग्राउंड दैट पिटिशनर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED इज फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS द डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर अपीयर्स टू हैव सॉट सर्टन क्लैरिफिकेशन एज ही इज नॉट क्लियर अबाउट स्टेटस ऑफ पिटिशनर्स डिप्लोमा. श्री धनंजय अवस्थी लर्नेड काउंसिल फॉर रेस्पॉन्डेंट NCTE मेक्स अ categorical statement before the court that diploma of NIOS in elementary education is already recognized by the NCTE in view of the fact that petitioner's diploma has been recognized by the NCTE there appears no reason for the district basic education officer not to consider petitioner's claim for appointment. to dosto ye writ petition number 13219 mein already judgment dosto ho chuka hai और रिट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ और ये निस्तारित हो चुकी है इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट पिटिशनर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन रिकग्नाइज बाय द NCTE देयर वुड बी नो रीजन फॉर द रेस्पॉन्डेंट्स नॉट टू एक्सेप्ट पिटिशनर्स एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपियरिंग इन द यूपी टेट एग्जामिनेशन इन द इवेंट ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज आर फुलफिल्ड एंड रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन इज पोजेस्ड बाय देम अ रिट ऑफ मैंडमस इज इश्यूड टू रेस्पॉन्डेंट नंबर 4 टू एक्सेप्ट application form of all candidates who have secured diploma in elementary education from NIOS for appearing in the UP TET examination 2021 writ petition is accordingly disposed of. to dosto aap dekh sakte hain ki writ petition ko dispose kar diya gaya hai aur diploma in elementary education jo ki NIOS se liye hain sabhi abhyarthiyon ko rahat mil gayi hai green signal mil gaya hai ki wo UP TET के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं. किसी प्रकार की बाधा नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है. आप टेट निकाल लेंगे और आप ऑलरेडी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हैं ही, तो शिक्षक भर्ती में भी जो आगामी शिक्षक भर्ती होगी उसमें आपके रास्ते खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे. बिल्कुल माननीय हाईकोर्ट आपके साथ है. आज के लिए इतना ही. वीडियो इन्फॉर्मेशन लिए लेटेस्ट अपडेट आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी. यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें. लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें. जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ.